कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है उस प्रदर्शन को लेकर लोगों का सोचना क्या है। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मास्टर साहब, मास्टर आर के कालिया जी, आदाब। जी आदाब सर, नमस्कार, कहिए। मेरे अजीज भाई, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, बहुत दिनों के बाद नजर आया। जी जी सर, शुक्रिया। देखिए, ये हमारा जो सियासी सिस्टम है ये इतना बिगड़ चुका है, आम आदमी बहुत बेबस है और आम आदमी लाचार है। बताओ तो क्या किया जाए, और कुछ चारे नहीं है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कान पर जू नहीं रेंगती। परेशानी तो है ही सभी को, इतनी महंगाई है, चरम सीमा पर महंगाई है, आसमान को छू रही है महंगाई। लेकिन और हल भी क्या है, और हल है ही नहीं, क्या किया जाए बताइए आप। अब माफ करना, पहले देखिए किसानों को धरना चला, साल से ज्यादा वक्त लगा वहां पर, और 700 से ज्यादा जो किसान है वो बेचारे शहीद हुए, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो और जाए कहां आदमी, ये सबसे बड़ी परेशानी ये है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा दखलअंदाज करनी चाहिए, या माननीय जो हमारे राष्ट्रपति महोदय उनको दखलअंदाजी करनी चाहिए। ये सिस्टम बना हुआ क्या है, ये लोगों को कितनी परेशानी है महंगाई में, ना सरकार सुनती है, पब्लिक करे बताए क्या करे। पब्लिक पब्लिक की मजबूरी है, बशीर बदर की जो वो चार लहने हैं, मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। दुख इस बात का, सरकार को भी सोचना चाहिए। देखिए इतनी महंगाई है, आप खुद जानते हो, कल को तो चलने फिरने पर GST लगेगा, सांस लेने पर GST लगेगी। कुछ बात तो सरकार को बताइए, क्या कहें, अब सोचना चाहिए सरकार उसके बारे में। शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार सुबह से आप देख रहे हैं कांग्रेस का प्रदर्शन, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, लखनऊ की बात हो, दिल्ली की बात हो, कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी भी प्रदर्शन करती नजर आई, राहुल गांधी हिरासत में लिए गए, प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती आई, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर रोटी बनाते दिखाई दिए, और कांग्रेस के नेताओं का, राहुल गांधी का यह भी कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार जनता की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि यह प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि ईडी पर दबाव बनाने के लिए है। हमारे साथ कल्पना जी जुड़ चुकी है, नमस्कार कल्पना जी, क्या कहेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग शोर करते हैं कि महंगाई है तो और क्या करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे, सड़कें रोकेंगे। आप अपने नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट को देखिए, आप देखिए श्रीलंका में क्या हाल है, अब देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है। हमारा देश फिर भी उनसे बेटर है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, एक जो ये कांग्रेस इस समय बुरी हालत में है, उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये महंगाई एक बहाना है, और दूसरी ईडी की जो ये हो रही है जांच, उसको भी ये रोकना चाहते हैं। काले कपड़े पहनना, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं होने देना, आखिर ये भाई बहन क्या चाहते हैं? क्या डायनास्टिक रूल पर ही हम डिपेंडेंट रहे? देश को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है इनको जेल में भरना चाहिए, अगर नेशनल हेरल्ड केस में करप्शन चार्जेस पूरी तरह प्रूव होते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। नितिन शर्मा जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, नितिन शर्मा जी क्या कहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी, ऐसा है, महंगाई तो है ही, मगर महामारी के कारण अगर महंगाई है तो जनता को भी सहयोग करना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी जो है ये ईडी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये गलत है। अगर इन्होंने गलत नहीं किया तो इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें दाल में कुछ काला तो जरूर है। धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से, तो वहीं बीजेपी का, सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि सिर्फ ईडी के खिलाफ प्रदर्शन है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। प्रेम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार प्रेम जी। जी प्रेम, प्रेम जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर इनका महंगाई के अगेंस्ट में प्रदर्शन है और ईडी के अगेंस्ट में प्रदर्शन है, दोनों ही ठीक है सर। देख जी, अगेंस्ट में खाली कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के दूसरे आदमी भी कर रहे हैं। इनके अगेंस्ट में जो ईडी का प्रदर्शन है वो तो 2015 में बंद हो चुका था, अब और ईडी के लिए नहीं है, ये आईटी के लिए था, बात हो चुकी है। और रहा प्रदर्शन की बात, तो बीजेपी वालों ने भी प्रदर्शन किया है, सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो केंद्रीय मंत्री ने अपने सर पे सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया। सर एक विपक्ष
से सरकार है, सरकार अच्छे भी काम कर रही है तो विपक्ष की भी सुननी चाहिए। लेकिन विपक्ष और पक्ष ये दोनों के बीच में जनता तो मर रही है सर, जनता का कहीं भी पक्ष वाले नहीं देख रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार कि हम आपस में लड़ाई करके जनता को क्यों मार रहे हैं, चाहे वो महंगाई में हो, चाहे ईडी में हो, चाहे किसी का डर हो। आज जनता भी कुछ बोलने की चेष्टा करती है तो जनता भी तो मुश्किल में फंसी हुई है। करते हैं कांग्रेस 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 वाला बहाना करते हैं, बीजेपी बीजेपी। सर हम जनता कहाँ जाए जाए तो आप सोचने की चीज है। 8 साल में उन्होंने क्या हवाई अड्डे बना देने से हमारी भूख तो खत्म नहीं होगी, खाली हवाई जहाज में उड़ा देंगे तो उससे क्या हम सड़कों पर टहल सकते हैं? या पानी भरा पड़ा रहता है, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों को बोलते हैं 5 साल में अमेरिका बना देंगे, कभी हो सकता है सर? सोचने की चीज है सर। ठीक है सर, ठीक है इनका बिल्कुल। महंगाई से जनता को निजात मिलनी चाहिए, बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो वहीं प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की है वो नजर भी आई, लेकिन सरकार का कहना है कि ये बीजेपी का कहना है कि ये प्रदर्शन ईडी के खिलाफ है, कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, कांग्रेस को जनसरोकार से कोई मुद्दा नहीं, मतलब नहीं। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतरकर गिरफ्तारियां दी, नेताओं ने और प्रदर्शन किया। सूरज भांजी हमारे साथ हैं, नमस्कार सूरज भांजी। नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। आपको अच्छे से याद होगा बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार जुमला सरकार, ये जुमला सरकार के है जी दौर, आपको याद होगा जी भाई, है ना सूरज भांजी? सैया तो बहुत कमाते है, महंगाई दायन खाए जाते हैं, ये बीजेपी वाले गद्दार, देश के गद्दार, सत्ता पे सत्तासीन होके ये क्यों भूल जाते हैं आज उन दिनों को क्यों भूल जाते हैं? स्मृति ईरानी, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इनके दलाल कहाँ गए? बोलते क्यों नहीं है? चुप क्यों है वो? आप उनसे पूछते क्यों नहीं? ये लालच में आके 35 रुपए लीटर में ये 2 करोड़ रोजगार के जनता ने इनको गुमराह करके आज इनके हाथ में तिरंगा है, जिन्होंने कभी तिरंगे को चूमा नहीं, गद्दार लोगों के हाथ में तिरंगा लेके घूम रहे हैं, महंगाई के आग तिरंगे के आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है मोदी, पहले कोरोना के आड़ में छुपा, पुलवामा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आज के सवाल आपके सामने और आपकी राय क्या है कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, इस पर आपकी राय क्या है? महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है? क्या महंगाई के खिलाफ है प्रदर्शन या फिर दिखावा ईडी के खिलाफ है? सवाल आपके सामने है। और एक और सवाल यह है कि क्या सरकार जनता की समस्याओं से नजरअंदाज हो रही है, क्या महंगाई के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है सरकार, यह भी एक सवाल है। विजयपाल जी हमारे एक दर्शक हैं जी, नमस्कार विजयपाल जी। नमस्कार जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, जी जुड़ी प्रदर्शन, सरकार ने हर चीज दुगनी हो गई, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, इसने हर चीज पे जीएसटी लगा लगा के दुगनी कर दी। आप ये समझ लीजिए दूध पे अभी पता नहीं किस किस चीज पे जीएसटी लगी। जी जी, आपकी बात पूरी कीजिए अपनी जी। ये देश तो पूरा मर जाएगा, और जो नेता लोग हैं इनकी तनख्वाह बढ़ाते जाएंगे, इनकी कभी हवाई जहाज की टिकट इनके लिए फ्री कर दो, कभी उसका फ्री कर दो, कभी खाना फ्री कर दो, कभी लैट्रिन जाना तक फ्री कर देंगे जी इनका, और जनता के लिए टैक्स लगाएंगे उससे भी, तो ये महंगाई है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और सिरसा में हरियाणा के सिरसा में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया बारिश में भीगते हुए, हमारे संवाददाता नकुल जसूजा की एक रिपोर्ट भी देखते हैं इस वक्त। साथ में कांग्रेसी विरोध जता रहे हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर रहे हैं, तेज बरसात के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तारियां दे रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें, सिरसा में बरसात के बावजूद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस नेता गिरफ्तारियां दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिरसा की तस्वीरें, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तेज बरसात के बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तारियां दे रहे हैं। सिरसा में कांग्रेस नेताओं का जमकर विरोध प्रदर्शन, यहां पर सिरसा में कांग्रेसी कार्यकर्ता तेज बरसात के बावजूद भी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन सिरसा में जारी है, मूसलाधार बरसात है, बावजूद उसके कांग्रेस के विधायक
कांग्रेस के नेता विरोध जता रहे हैं। सिरसा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो बिल्कुल भले ही बरसात हो। और हमारे साथ हमारे एक और दर्शक विवेक जी जुड़ चुके हैं नरवाना से। विवेक जी नमस्कार, क्या कहेंगे? विवेक जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखिए, शायद लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है। लेकिन सवाल आपके सामने है, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदीप जी हमारे एक दर्शक हैं, नमस्कार प्रदीप जी, क्या कहेंगे? जी प्रदीप जी कहिए, प्रदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। और लगातार आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, अलग अलग तस्वीरें प्रदर्शन की, दिल्ली की तस्वीरें, चंडीगढ़ की तस्वीरें, सिरसा की तस्वीरें, सोनिया गांधी की तस्वीरें, राहुल गांधी की तस्वीरें, वो सारी तस्वीरें दिखाते रहेंगे आपको बीच बीच में। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ था, जनता परेशान है, सरकार जनता की समस्या से, जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं रखती। सरकार का कहना है कि हमें जनता की फिक्र है, कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन अपने नेताओं को ईडी की कार्रवाई से बचाने की कोशिश है और उसका प्रदर्शन है। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आई, उनका भी बयान सामने आया प्रियंका गांधी का, वो भी आपको सुना। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें, हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हों, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उनपे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। दो चार लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे, सब्जी खरीद सकते हैं, दाल आटा चावल सरसों का तेल सब कुछ महंगा हो गया, गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम, क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करते नजर आए, रोटी बनाते नजर आए सड़कों पर, नारेबाजी करते नजर आए कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर। एक दर्शक हमारे साथ हैं शिवरतन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवरतन जी कहिए। हाँ जी सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि अगर महंगाई के खिलाफ विपक्ष शोर नहीं मचाएगा जी, तो कौन इस मुद्दे को उठाएगा? सरकार तो अंधी और बहरी हो चुकी है, इस टाइम तानाशाही के मोड पर जा चुकी है सरकार। तो मेरी राय यही है कि सरकार को अपनी आंखें और कान दोनों खोल लेने चाहिए। कल को जलजला आ सकता है जनता के बीच भी, जनता बहुत त्रस्त है महंगाई से सर। ठीक, हमने क्या लेना कांग्रेस से, हमने क्या लेना बीजेपी? ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। गड़ा है वो आपको भोगना पड़ेगा। अगर 5 लाख रुपए की संपत्ति लगाकर हवाला के माध्यम से पैसा लेकर 5,000 करोड़ की संपत्ति अगर आपके पास आती है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, ट्रायल फेस करना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड से क्यों घबराए हुए हैं? क्या संकेत है? कांग्रेस पार्टी परिवार की जेब में, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व परिवार की जेब में, अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार की जेब में। द क्रक्स ऑफ द नेशनल हेराल्ड करप्शन इज स्ट्रेट एंड सिंपल। द कांग्रेस पार्टी इज इन द पॉकेट ऑफ द फैमिली। द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो इन द पॉकेट ऑफ द फैमिली।
तो कांग्रेस का प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि महंगाई के नहीं, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन है। इसी बीच हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुशील जी जयपुर से, नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए सर। सर मेरा ये कहना है कि ये नाटक जो है ना, इनके कांग्रेस के कब तक चलते रहेंगे? राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज देश की सबसे बड़ी नेता जो है सोनिया गांधी, अरबपति खरबपति देश की सबसे बड़ी अमीर महिला है, कभी इसने दो पैसे भी अपनी जेब से निकाल के देश की जनता के लिए दिए हैं? क्या मतलब इनका जो है मोरल है, क्या इनकी नैतिकता है? साथ जुड़े सुशील जी और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। कांग्रेस के सभी नेता, बड़े नेता छोटे कार्यकर्ता, सभी नेता आज सड़कों पर उतरे। सोनिया गांधी भी प्रदर्शन करती नजर आई, राहुल गांधी को तो हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करती नजर आई, कांग्रेस के कई नेता हिरासत में लिए गए। चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस का प्रदर्शन, हर शहर में कांग्रेस का प्रदर्शन, अलग अलग तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन। और राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर अगली खबरों की तरफ बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा? इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई पॉलिटिकल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे, यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने, ये हमारा हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे, उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। आज कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला महंगाई के खिलाफ, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस ने कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता परेशान है, सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये महंगाई के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, अपने लिए प्रदर्शन था, अपने नेताओं को ईडी से बचाने के लिए प्रदर्शन था, और ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।